अपना लूट अपहरण फिरौती होता था मुख्यमंत्री आवास से डायरेक्ट होता, उसका पहले गन्ना करके प्रसारण करे तब नीतीश कुमार की बात करें। आजादी के बाद आज तक नीतीश कुमार के मुकाबले में देश के कोई मुख्यमंत्री नहीं है। बिहार सरकार के मध्य उत्पाद विभाग के मंत्री रत्नेश सदा ने तेजस्वी यादव व प्रशांत किशोर पर बड़ा हमला किया है। रत्नेश सदा ने कहा है कि तेजस्वी यादव जिस तरह से लगातार अपराध पर सवाल उठाते आ रहे हैं और दूसरी ओर प्रशांत किशोर नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं रत्नेश सदा, आइए सुनाते हैं। अपराध काफी बढ़ गया है, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में सरकार विफल है। आंकड़े बता रहे हैं हर दिन के कि इतने हत्याएं हैं, लूट है, यहाँ यहाँ जगह पर हो रही है। पहले तो वह अपने माता पिता के कार्यकाल का क्या कहते हैं गन्ना करके बतावे जे कहाँ कितना दंगा हुआ, कितना SC ST के घर को जलाया गया, कितना महादलित परिवार को बेघर किया गया और जितना लूट अपहरण फिरौती होता था मुख्यमंत्री आवास से डायरेक्ट होता था, उसका पहले गन्ना करके प्रसारण करे तब नीतीश कुमार की बात करे। नीतीश कुमार के राज में सुशासन की सत्ता है और सुशासन की राज है, इसमें जो क्रिमिनल है या तो भूमिगत हो गए हैं या तो बिहार से बाहर हो गया या तो जेल के अंदर है, जो बचे खुचे क्रिमिनल है वह कार्रवाई करता है। अगर हत्या लूट अपन करता है पहले सर्वप्रथम FIR दर्ज होती है, उसके बाद उसको स्पीड ट्रायल के माध्यम से या प्रशासन के माध्यम से उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उसको जेल के सलाखे में बंद। एक और इतना दिन से नीतीश कुमार संभाल रहे हैं लेकिन आज वो लोग सुरक्षित नहीं है, कोई ज्यादा विकास का काम हुआ नहीं है बिहार में। प्रशांत की तो अब ये बात क्या है मैडम, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उससे कहना चाहूँगा, पहले वो कान खोल कर सुन ले आपके चैनल के माध्यम। वो जो इधर उधर कभी ममता बनर्जी के यहाँ, कभी BJP के यहाँ, कभी RJD के यहाँ, कभी नीतीश कुमार का जो पीछे पड़ करके आज वो बिहार की जनता की बात कर रही, विकास की बात कर रहे हैं, देखे वो आँख खोल करके बिहार में नीतीश कुमार सभी जात सभी धर्म सभी वर्ग के लिए हक में काम किया है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, स्वास्थ्य की क्षेत्र हो, शिक्षा की क्षेत्र हो या ग्रामीण कार्य विकास की ग्रामीण कार्य का क्षेत्र हो, चाहे नदी पुल पुलिया की बात हो, सब करके दिखाया। आज तक आज़ादी के बाद आज तक नीतीश कुमार के मुकाबले में देश के कोई मुख्यमंत्री नहीं है, ये आजाद शत्रु है। और नीतीश कुमार को समझ लीजिए उदय अस्त भी करने आता है। तो जैसा कि आपने सुना, एक और जहां रत्नेश सदा ने तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा है कि उन्हें अपने माता पिता के कार्यकाल को याद करना चाहिए, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने प्रशांत किशोर पर तंज कसते हुए कहा है कि उनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, आज इस पार्टी में तो कल इस पार्टी में जा कर के वो लोगों के बीच अपना जो अस्तित्व है वो बनाना चाह रहे थे, लेकिन अब उनकी स्थिति ऐसी है कि अब उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। और ऐसे में जब मुख्यमंत्री को लेकर के किसी तरह का बयानबाजी करते हैं तो उन्हें आँख खोल कर देख लेना चाहिए कि बिहार में विकास किस तरह से हुआ है। शायद ये प्रशांत किशोर को दिख नहीं रहा है कि बिहार में क्या क्या कार्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किए गए हैं। सहयोगी रीति के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्श न्यूज, पटना।